रिश्ता खून का हो या दिल का, भरोसा होना चाहिए। बंधन राखी का हो या बिन डोर का, मजबूत होना चाहिए। ऐसा है भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन, जो सदियों से इस पर्व को हम सभी मनाते आ रहे हैं। इसको लेकर रक्षाबंधन से पूर्व अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष मीरा बथवाल के द्वारा चलाए गए रक्षा सूत्र अभियान के अंतर्गत रांची शाखा के द्वारा देश की सुरक्षा के लिए तत्पर सैनिक भाइयों के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन रांची के नामकुम स्थित हेडक्वार्टर 124 इन्फेंट्री ब्रिगेड में किया गया, जहाँ मीरा बथवाल के अलावे राष्ट्रीय सचिव रूपा अग्रवाल, राष्ट्रीय संपादिका अलका सरावगी और शाखा अध्यक्ष नैना मोर ने ब्रिगेडियर हितेंद्र मराठे को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया और उनके माथे पर तिलक लगाकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, साथ ही मंगल कामना की। इधर शाखा की अन्य बहनों ने भी 150 सैनिक भाइयों को अपने हाथों से तैयार की गई राखियां पहनाई, साथ ही बॉर्डर पर तैनात सैनिक भाइयों के लिए इको फ्रेंडली राखियां दी गई। इस दौरान राखी की कई वैरायटीज देखी गई, जिसमें राखी के द्वारा देशभक्ति का संदेश भी दिखाई दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट कर्नल रीना झा ने किया। इस मौके पर बहनों से राखी बंधवाकर खुशी से सेना के पदाधिकारियों और सैनिकों की आंखें नम हो गई। ब्रिगेडियर हितेंद्र मराठे ने इस नेक कार्य के लिए मीरा बथवाल और उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे बहनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हम आपको बता दें कि पूरे राष्ट्र में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की 19 प्रदेशों में 625 शाखाएं हैं, जिसमें 27,000 आजीवन सदस्य हैं। सभी के द्वारा सरहद पर तैनात सैनिक भाइयों के लिए 2.5 लाख राखियां भेजी गई हैं। सचमुच ये कहा जा सकता है कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का यह प्रयास बेहद सराहनीय है, जिसे देखकर हम सभी को इनसे प्रेरणा मिलती है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हमारे यहाँ 19 स्टेट में 27,000 महिलाएं जुड़ी हैं इसमें, और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि मारवाड़ी महिलाओं के तन मन धन को संगठित करके देश और समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी ढंग से हम लोग लगा सकें। इसके लिए हम लोग लगातार तत्पर हैं, और ये हमारा पहला कार्यक्रम था कि हम लोग अपनी राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता, इस सत्र का नाम है, जिसमें राष्ट्रीयता हमारे मन में आनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति भी हमारा और समाज के प्रति भी हम ऋणी हैं। हम बहनें अपने घर में तो ऋण मरते दम तक चुकाते हैं, घर का ऋण, लेकिन राष्ट्र और समाज का ऋण कब चुकाएंगे, उसके लिए मैं लगातार उन्हें जागरूक करती हूं, और उसका ही आप देख रहे हैं प्रतिफल कि आज 2.5 लाख राखियाँ सरहद पर जा चुकी हैं, और कुछ राखियाँ जो हम लोगों के पास हैं वो जगह जगह हमारे हर शाखाओं में 7 शाखाएँ हैं, तो जहाँ जहाँ सैनिक छावनियाँ हैं वहाँ बहनें ये कार्यक्रम कर रही हैं, और या तो भूतपूर्व सैनिकों के साथ कर रही हैं। तो इस तरह से ये हम लोगों का बहुत बड़ा उद्देश्य था कि हम बहनों को ये सिखाएं कि राष्ट्र हमारा परम धर्म है, राष्ट्र है हमारे, राष्ट्र के ये सेनानी हैं, तभी हम हैं। आज इन लोग कितनी कठिन परिस्थिति में काम करते हैं और हम लोग कितनी आराम की ज़िंदगी जीते हैं, ये तो हमें सीखना चाहिए। मुझे आगे मौका मिला तो हम अपने सैनिक भाइयों से ही अपने सब उत्सवों का, सभी मेलों का, सभी कार्यक्रमों का फीता कटाऊंगी। काफ़ी भावुक है हम सब, हमें इसका एहसास काफ़ी भावुक कर गया है। मारवाड़ी महिला मंच की जो यहाँ पर बहनें हमारे साथ आई यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने अपना परिचय दिया, अपने काम का परिचय दिया, और ये एक उपक्रम उन्होंने जो यहाँ पर किया है उससे यहाँ पर सीमित लोग हैं जो यहाँ पर आ सके हैं, पर उन्होंने जो यहाँ पर हमें एहसास दिलाया है अपनेपन का, उससे हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं। और ये मारवाड़ी महिला मंच ने सिर्फ ये एक छोटा सा उपक्रम नहीं है, कई ऐसे उपक्रम पहले किए हैं, मुझे जानकारी मिली है। उन्होंने कई जगह जाके 3 लाख से ज़्यादा राखियाँ उन्होंने अपने सैनिक भाइयों को भिजवाई है सीमा पर, ये और ये सारी राखियाँ अपने हाथों से बनवा के और काफ़ी क्रिएटिव तरीके से बनवाई है। किसी ने मिट्टी से, देश की मिट्टी से राखी बनवाई है, किसी ने वैदिक नाटी बनाई है, किसी ने गोबर से राखी बनवाई है, किसी ने भारत माता के आकार की राखी बनाई है,
ये क्रिएटिविटी जो है ये हमें सबसे ज़्यादा भावुक कर गई है। और राखी के साथ साथ उन्होंने अपना हाथ से लिखा हुआ पैगाम भी अपने सैनिकों के पास पहुंचाया है। इससे तो जो भी सैनिक वहां पर उस राखी को पहनेगा उसे काफ़ी प्रेरणा देगा, उसे और भी ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ने की और प्रेरणा देगा, मजबूत देगा, आंतरिक शक्ति देगा। इसके लिए मैं हम मारवाड़ी महिला मंच का और हमारी सारी बहनें इस देश की है उन सब के हम शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। आज मुझे खुशी मिली भाइयों के प्यार की, मैं तो सबको